संज्ञान में है, उन्होंने एक्शन लिया है, लिहाजा वो ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। और इसलिए जो है बहुत सोच समझ कर बोलने का वक्त आ गया है, क्योंकि टिकटों का बंटवारा होना है, आज के जो बयान है आपके लिए कल आफत बन सकते हैं, लिहाजा सब बहुत ही। रामलाल शर्मा आ गए हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। रामलाल शर्मा, आज तो आपको बहुत मुद्दे हैं बोलने के लिए आपके पास में, राजेंद्र गुड्डा के बारे में क्या रुख है आपका? जिनकी पीड़ा थी उन्होंने अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति सदन के अंदर की है। भारतीय जनता पार्टी का आज का मुद्दा जल जीवन मिशन के अंदर हो रहे टेंडरों में भ्रष्टाचार को लेकर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर दिन एक अलग मुद्दा, अलग विषय के ऊपर सदन के अंदर स्थगन के माध्यम से मुद्दे उठाने का काम करती है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, अहंकार तो रावण का ही नहीं चला था, रावण का भी वध हुआ था, और जिस तरीके से राजस्थान सरकार के नुमाइंदे अहंकार का जीवन जी रहे हैं, यह अहंकार इनका चूर चूर होगा। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी को मेरी एक सलाह जरूर है कि आप सत्ता के मद में जिस अहंकार की भाषा बोलते हैं, आप विचारधारा के ऊपर टीका टिप्पणी करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, नेताओं की कार्यशैली के ऊपर आप टीका टिप्पणी करें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि अगली बार अगर आपने संघ के ऊपर टीका टिप्पणी करने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उसको सहन नहीं करेगा, और आने वाले 2023 के अंदर आपका भी अहंकार चकनाचूर करने का काम हम करेंगे। उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपए राजेंद्र राठौड़ ने बनाए हैं, आपके ऊपर राजस्थान के 26 लाख परिवारों के युवा आरोप लगा रहे हैं, आप पहले कम से कम उन आरोपों को जवाब तो दे दीजिए, क्योंकि आपके पास जवाब है नहीं। रामलाल शर्मा को हम सुन रहे थे जो बता रहे हैं कि किस कदर आज सदन में कौन कौन से मुद्दे गूंजने वाले, और निश्चित तौर पर राजेंद्र गुढ़ा एक बड़ा मुद्दा रहने वाले हैं जिसकी गूंज आज सदन में